नमस्कार। आज आप सभी के सामने हम कुछ योग का अभ्यास, कुछ सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करने जा रहे हैं जो किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग व्यस्त रहते हैं, दिन भर काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ योगा अभ्यास हम आज बताएंगे। कई बार कॉरपोरेट सेक्टर में हम दिन भर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, माउस में यूज़ करते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में, हमारे कंधों में, हमारे हाथों में कुछ ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे अभ्यास आज आप सभी के सामने मैं बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप बैठे बैठे और ऑफिस में भी इन अभ्यासों को करके अपने शरीर को थोड़ा सा खोल सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहला अभ्यास ग्रीवा संचालन का अभ्यास, जिसमें कि गर्दन से जुड़े हुए अभ्यास आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बता रहा हूँ, सबसे पहले शरीर बिल्कुल सीधा, श्वास भरेंगे लंबा गहरा और सीधे हाथ की ओर देखेंगे, सीधे हाथ की दिशा में भरपूर खिंचाव के साथ देखेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः श्वास भरेंगे बाएं हाथ की दिशा में और फिर श्वास छोड़ते हुए बाहर। इसका अभ्यास आप एक दो बार करें। इसी के साथ ग्रीवा संचालन में दूसरा अभ्यास जो आप करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर भरपूर खिंचाव ऊपर की ओर बना रहे और श्वास भरते हुए नीचे की ओर अपनी ठुड्डी को बिल्कुल नीचे लगाने का प्रयास, धीरे से वापस। इसी प्रकार दो बार अभ्यास करें। तीसरा अभ्यास ग्रीवा संचालन का, जिसमें आप अपनी गर्दन को गोल गोल क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, जैसे श्वास भरते हुए इस प्रकार सीधे हाथ से बाएं हाथ की दिशा में भरपूर घुमाएं नीचे की ओर, साइड में पीछे। इसी को विपरीत दिशा में भी आप करेंगे कुछ इस प्रकार, ये हमारा ग्रीवा संचालन का अभ्यास जो कि आप गर्दन के लिए कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो कि आपके कंधों के लिए है, सबसे पहले दोनों हाथों को बिल्कुल भरपूर खिंचाव के साथ कंधों के ठीक सामने रखें और इस प्रकार ऊपर की ओर एक भरपूर नीचे लाएं, दो भरपूर नीचे, तीन चार। इसी को विपरीत दिशा में भी हम कर सकते हैं, एक कंधों में जब जकड़न आ जाती है, कंधों में बहुत ज़्यादा जकड़न के समय आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, तीन और ये चार। इसी में दूसरा अभ्यास भरपूर खिंचाव हाथ में रखें और एक दो तीन चार। और इसी में स्कंद संचालन, कंधों के लिए अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे हम स्कंद संचालन के नाम से भी जानते हैं। किस प्रकार हम करेंगे, श्वास भरते हुए आगे से एक दो तीन, इसी प्रकार उसको विपरीत दिशा में भी करेंगे पीछे से आगे की ओर, एक दो तीन। ये कंधे के लिए अभ्यास, इसी में दोनों हाथ को भरपूर सामने लेके आए और ये वाला एक दो तीन चार पाँच। अब मैं आपको एक अभ्यास बताता हूँ जिसमें आप उंगलियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कई बार हम जब कॉरपोरेट सेक्टर में होते हैं तो हम अपने हाथों के माध्यम से बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कंप्यूटर पे दिन भर लगे रहते हैं, तो कुछ अभ्यास है जो आप हाथों के उंगलियों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, दोनों हाथ को भरपूर ढीला छोड़ें और लंबा गहरा श्वास भरते हुए पाँचों उंगलियों को आपको खोलना है। कुछ इस प्रकार करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरा, पांचों उंगलियों को भरपूर इस प्रकार खोलेंगे और पूरी शक्ति के साथ अपनी उंगलियों को इस प्रकार प्रेस करेंगे, ऐसे इस प्रकार ऐसे बंद करना है, पूरी मुट्ठियां बंद, श्वास छोड़ेंगे रिलैक्स। एक बार फिर से मैं आपको इस अभ्यास के बारे में बता रहा हूँ, हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, लंबे गहरे श्वास के साथ भरपूर हाथ खोलेंगे इस प्रकार, ये भरपूर पांचों उंगलियों को पूरी शक्ति के साथ इस प्रकार दबाएं, भरपूर हाथों को इस प्रकार प्रेस करेंगे, पूरी मुट्ठियां बंद और धीरे से हाथ को रिलैक्स। ये पहला अभ्यास जो हाथों की उंगलियों के लिए है। दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार खोलें, ढीला छोड़ें और फिर ऐसे खोलें, ये छोड़ें फिर इस प्रकार पकड़ें, फिर ये छोड़ें फिर इस प्रकार पकड़ें। ये कुछ अभ्यास जो आप अपने हाथों के लिए कर सकते हैं। कंधों के लिए एक अभ्यास मैं और आपको बताता हूँ, जब हम कई बार कॉरपोरेट सेक्टर में बैठे रहते हैं तो हमारी कमर और हमारे कंधों में थोड़ा सा जकड़न आता है, तो उस समय कुछ अभ्यास है जो स्कंद संचालन के अंदर आप कर सकते हैं। इस प्रकार से स्थिति, मुट्ठियाँ बंद और श्वास भरते हुए भरपूर कंधे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरपूर श्वास भरते हुए ऊपर और भरपूर श्वास भरते हुए नीचे।
रिलैक्स। कई बार कमर में जकड़न आती है तो कमर के लिए भी कुछ कटी संचालन का अभ्यास हम कर सकते हैं। सबसे पहले भरपूर शक्ति के साथ, खिंचाव के साथ दोनों हाथों को बिल्कुल सामने और लंबा गहरा श्वास भरेंगे। सीधे हाथ की दिशा में आप जितना घूम सकते हैं उतना आप घूमेंगे, इस प्रकार जैसे मैं घूम रहा हूँ, और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे इसी दिशा में। फिर इसी को दूसरी दिशा से भी करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए और दूसरी दिशा में जाएं, विपरीत दिशा में, और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। कटी संचालन का अभ्यास कई बार कमर में जब बहुत ज़्यादा जकड़न आ जाती है तो उसके लिए हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसी के साथ कमर के लिए भी एक अभ्यास है जो आप खड़े खड़े कर सकते हैं। कमर को थोड़ा सा खोलना है तो दोनों हाथों को इस प्रकार जैसे मैंने रखा है अपने कमर पर रखें, और इस प्रकार क्लॉकवाइज कमर को आप घुमा सकते हैं। एक, भरपूर खिंचाव के साथ, दो, तीन, और ये चार। इसी को विपरीत दिशा में भी करेंगे। इसमें श्वास बिल्कुल सामान्य, श्वास की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी और कमर को आपको इस प्रकार घुमाना है ये अभ्यास। इसी में आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग का भी अभ्यास चाहें तो कर सकते हैं। एक बार मैं आपको उसके अभ्यास के बारे में भी बता रहा हूँ, ये भी आपके कमर के लिए है। सबसे पहले बिल्कुल सीधा खड़े रहें, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जितना झुक सकते हैं। शरीर की क्षमता अनुसार ही नीचे झुकें, बहुत ज़्यादा भी नीचे झुकना सही नहीं है, और इसी प्रकार धीरे से वापस आएँ। कई बार जब हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो हमारे घुटनों में भी कुछ ना कुछ जकड़न सी बनी रहती है, तो कुछ अभ्यास मैं आपको इस बार घुटने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार सामने करें, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियाँ उसके ऊपर, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और थोड़ा सा अपने आप को चेयर बनाएंगे। इस प्रकार बैठने का प्रयास, इस प्रकार बैठेंगे, कुछ देर बने रहें घुटनों की स्ट्रेंथ के लिए। थोड़ा सा घुटनों का अभ्यास है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धीरे से वापस। इसी का अभ्यास अब दो से तीन बार दोहराएं। घुटनों के लिए एक और अभ्यास जो बहुत ही अच्छा अभ्यास है, थोड़ा सा अपने आप को बेंड करें और दोनों हाथों को इस प्रकार घुटने के पास रखें और फिर इस प्रकार घुटनों को क्लॉकवाइज भरपूर घुमाएं जितना घुमा सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसी को इसके विपरीत दिशा में, एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स। आप चाहें तो इसी अभ्यास को दोनों के साथ भी कर सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, इसी को विपरीत दिशा में भी, एक, दो, तीन, चार, रिलैक्स। तो ये कुछ अभ्यास थे जो हमने गले से लेके कंधों तक, दोनों हाथों के लिए, कमर के लिए और घुटनों तक। ये कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में कभी भी जब आप थोड़ी सी थकावट सा महसूस करें और थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहें तो इन सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।